पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकतर गांवों में देखा जा रहा है कि मौसम के बेरुखी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस जिले के किसानों को पेट भरने पर भी आफत आ खड़ी है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर किसान छोटे वर्ग के हैं और ये लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी गेहूं और मसूर की खेती में लगाकर इस आस में थे कि साल भर के लिए अनाज हो ही जाएगा, पर असमय बारिश, ओलावृष्टि तथा बार बार तूफान आकर इन किसानों को सपने को रंग डाला है। खेती बाड़ी लगाओ तानी पानी होला तो होला ना होला आपकी गेहूँ रोपने पथला पानी पे आई लो गेहूँ फूटल हो सूख गई गेहूँ सारा दाना सूख गई बटाई के नोखनी एक मन गेहूँ बोल आठ कट्ठा खेत में एक मन गेहूँ बोल आठ कट्ठा में लगल रहने आठ कट्ठा में तो गेहूँ रोए कौन के भाई साफा गेहूँ है ना बोल कौन कारण से नहीं खेपाई कौन कारण से नहीं खेपाई बरखा जब फूटल गेहूँ दूधा रतल पथल पड़ गई बरखा बरस गई लौका ठनका पर सब गेहूँ सूख गई साल खेती मारी गई। क्या चीज खेती किए थे? गेहूं की खेती किए। क्या कारण से क्षति हुई? बारिश जोरों से हुई या ओला गिरा जिसके कारण पौधा तो हुआ लेकिन उसमें दाना एक भी नहीं लगा, खड़े की खड़ा रह गया। तो इसके लिए आप लोग मतलब कि आपके जैसे कितने किसान हैं? हमारे गांव में बहुत से किसान हैं। क्या सभी लोग का वैसा ही क्षति हुआ? सभी लोग का वैसा ही क्षति हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? सरकार के तरफ से इसके लिए मुआवजा लेना चाहिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हम किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का लाभ मिले। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोग करें। जिनके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवि कुमार, जिनका मोबाइल नंबर है 8987089570, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं, जो हम किसानों को हक दिलाने में सहायक सिद्ध हो सके। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।